हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं, लेट्स वॉच हम लोग क्या बनाने वाले हैं। हम लोग बनाने वाले हैं कटलीज। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है 1 kg पोटैटोस ले लिया है, 1 onion, 2 tomatoes, ग्रीन बीन्स 100 grams, कैरेट 1, कोरिएंडर 50 grams, करी लीव्स 10, ग्रीन चिलीज 4। ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। इसे हम लोग आज कटलीज बनाने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग हमारे पोटैटोस को वाटर से क्लीनली वॉश कर लेंगे और उसको हाफ हाफ पीसेस में कट कर कर कुकर में रख देंगे। यहाँ पे कीजिए, हम लोग ने रख दिया और अभी हम लोग इसमें ग्रीन बीन्स ऐड कर देंगे, 1 glass वाटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने 1 glass वाटर भी ऐड कर लिया और अभी हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या कीजिए, सॉल्ट भी ऐड कर दिया और अभी हम लोग गैस ऑन कर देते हैं और 2 whistles का वेट करते हैं। 1 bowl ले लेंगे, उसमें हम लोग यहाँ पे बेसन डाल लेंगे, 1.5 cup बेसन। यहाँ पर हम लोग ने 1.5 cup बेसन डाल लिया और अभी हम लोग इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे। पता है हम लोग ने बेसन यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि हमें इससे सेव बनाना है। अभी हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे ताकि हम इसका डो बना सके। तो हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो आप लोग ऐसे मिक्स कर लेना। फ्रेंड्स, ये कटलीज बहुत अच्छी बनी है, आप लोग जरूर ट्राई करना। यहाँ पे कितनी बिजल्स हो रही है। कुछ ऐसे दिखेगा हमारा डो। डो इज रेडी। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग सेव बना रहे हैं ना, वो सेव मशीन है। यहाँ पे कीजिए, ये है सेव मशीन। तो हम लोग इसमें 2-3 drops ऑयल डालेंगे और अभी अच्छे से ऑयल को ग्रेस कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे 1 brush से ऑयल ग्रीस कर रहे हैं, अच्छे से कर लेंगे। तो हमारा डो हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब डाल देंगे। ऐसे करके हम लोग डाल लेंगे। पूरा फिल कर देंगे सेव मशीन को डो से और एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर देंगे और अभी हम लोग इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे। तो हम लोग ने ऑयल डाल लिया। तो यहाँ पे हम लोग ने डो भी डाल लिया हमारे सेव मशीन में
और अभी जो ऊपर का होता है हम लोग इसे लगा देंगे। ठीक है कीजिए, ऑयल को हीट कर देंगे और हमारे वो जो ऊपर था ना उसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर कर हमारा सेव बनाएंगे। तो देखिए सेव बनकर रेडी हो गया है, बन गया है मतलब अभी तो कुछ ऐसा है ये। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग इसमें वन प्लेट में सर्व कर लेंगे, सारा ऑयल निकाल देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें से, और वन प्लेट में से सर्व कर देंगे। हमारा सेव रेडी हो गया है। तो हम लोग कटलीस के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए हम सेव को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कीजिए पोटैटोज भी बॉइल हो गए हैं और वन बड़ा सा बाउल ले लेना है। और अभी हम लोग इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे कीजिए ऑयल डाल लिया, अभी हम लोग थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, वन स्पून जीरा डाल लेंगे, वन स्पून राया, यहाँ पे हम लोग ने जीरा राया डाल लिया। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा करी लीव्स एंड ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और ड्राई चिलीज ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑनियंस ऐड कर देंगे, यहाँ पे कीजिए हम लोग ने कुछ ऐसा मिक्स कर लेना है इसे। फ्रेंड्स अभी हम लोग ने ये कटलीज रमज़ान के लिए बनाया है, इफ्तार के लिए बनाया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स वंस अगेन रमज़ान मुबारक टू ऑल। अभी हम लोग इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, टू स्पून हम लोग ने ऐड कर लिया है यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है अभी। और अभी हल्दी पाउडर हाफ स्पून डाल लेंगे, मिर्ची पाउडर वन स्पून, टमाटोज भी ऐड कर लिया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी। और अभी हम लोग थोड़ा ग्रीन बीन्स ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड पोटैटोज भी ऐड कर लेंगे और अभी इसे स्मैश कर लेंगे। कटलीस स्टैंड से हम लोग मैश कर लेंगे इसे अच्छे से, कुछ ऐसे स्मैश कर लेंगे हम लोग, स्मैश स्मैश।
ताकि हमारे कटलेट्स में बड़े बड़े पीस ना आ जाए पोटैटोस के। मैश कर लेंगे, कुछ ऐसे कर लीजिए। मुझे तो अभी देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत अभी हम लोग इसमें थोड़ा कैरेट और कोरिएंडर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाउडर भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन सॉल्ट हाफ स्पून डाल देंगे, टेस्टिंग सॉल्ट हाफ स्पून डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये हमारा स्पाइसेस बॉक्स है, यहाँ पे सारे स्पाइसेस हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है, तो हमारी कटली से कुछ ऐसा दिखेगी। अभी ब्लैक पेपर पाउडर हाफ स्पून डाल देंगे, चाट मसाला हाफ स्पून डाल देंगे, वाइट पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे, अजवाइन हाफ स्पून। हमने यहाँ पे अजवाइन पाउडर लिया है, आप लोग अजवाइन भी ऐड कर सकते हो। जीरा पाउडर हाफ स्पून, तो अभी हम लोग स्पाइसेस का बॉक्स साइड रखते हैं। यहाँ पे घी कीजिए कटली इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाए अच्छे से इसमें। अभी हम लोग इसमें हमारी सेव ऐड कर लेंगे जो हमने बनाया था, इसे ब्रेक कर लेंगे हम लोग, अच्छे से तोड़ देंगे और फिर डालेंगे हमारे कटलीज के अंदर। फाइनली हम लोग क्लोज कर देंगे लिड और यहाँ पे कीजिए हमारी कटलीज रेडी है, बहुत टेस्टी टेस्टी है। अभी इसको थोड़ा डेकोरेशन कर लेंगे हम लोग। गार्निशिंग के लिए हम लोग थोड़ा ऑनियंस डाल लेंगे, कैरेट डालेंगे, थोड़ा कोरिएंडर, थोड़ा और ऑनियन, कर्ड ऐड कर लेंगे थोड़ा,
डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए कर्ड बहुत अच्छा होता है। और अभी हम लोग सेव डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा और डेकोरेशन के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम लोग ने इसे डेकोरेट कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से इसे कर लेंगे। अभी ये कीजिए, हम लोग ने डेकोरेट भी कर लिया। और ये कीजिए, हमारी कटलीज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी टेस्टी भी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।